नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपको अपना YouTube चैनल हिंदी टेक इन्फो। अगर आपके घर में AC लगा हुआ है, किसी भी ब्रांड का हो, कितना भी पुराना मॉडल हो, उसका रिमोट खराब हो गया है, मार्केट में नहीं मिल रहा, रिपेयर नहीं हो रहा और आप परेशान हैं AC के रिमोट को लेकर, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही कमाल का वीडियो। आप एक ही रिमोट से अपने घर के सभी ACOं को कनेक्ट करके चला सकते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, कितना भी पुराना मॉडल क्यों ना हो। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूनिवर्सल रिमोट, ये 1000 in 1 है, यानी कि आप 1000 AC भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स में क्या है और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप अपने AC को इसके द्वारा कैसे चला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है यूनिवर्सल रिमोट का बॉक्स, इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर हमने इसे ओपन कर लिया है और यहाँ पर एक रिमोट है और यहाँ पर एक मैनुअल दिया गया है और यहाँ मैनुअल किस काम का है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैनुअल में आप देखेंगे कि इस रिमोट को चलाने के सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं इसके, और मैनुअल की दूसरी तरफ एक लिस्ट दी गई है, मार्केट में जितने भी ब्रांड के AC हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर है और सभी के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप एप्लीकेबल ब्रांड एंड कोड लिस्ट, यानी कि आप किस ब्रांड के AC पर कौन से कोड के द्वारा आप ये रिमोट चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ब्रांड है वो है लॉयड का, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा CDGHIJKL, LG का आ गया यहाँ पे, यहाँ पे लॉयड मिसिंग है और हमें अपने लॉयड के AC को ही कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे इसका एक ऑटोमेटिक तरीका मैं आपको बता देता हूँ और ये लिस्ट एक बार मैं आपको इसका फोटो भी खींच के पूरी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास हैवल्स का 4-स्टार विंडो AC है जिसका मॉडल है लॉयड, यहाँ पे आप देख लीजिए, और यहाँ पर ये ऑफ पोजीशन में मैंने कर रखा है और ये जो इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है ये केवल कैमरे की वजह से है, ऐसा नहीं है ये ब्लिंक नहीं हो रहा है, ये नॉर्मली चल रहा है। और यहाँ पर हमारे पास जो रिमोट है वो यूनिवर्सल रिमोट है और इसे कनेक्ट कैसे करेंगे वो भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रिमोट के पावर बटन को प्रेस करना है कुछ इस तरीके से और आपका रिमोट ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, नीचे आपको दिखाई दे रहा हुआ सेट का बटन, इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। जैसे ही आप इसे 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, ऊपर यहाँ पर 24 टेम्परेचर के नीचे कुछ रीडिंग आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लिंक होने लग जाएगी। तो मैं इसे होल्ड कर देता हूँ और आपको स्क्रीन पर ब्लिंक होने लग जाएगी, ये देखिए यहाँ पर रीडिंग ब्लिंक होना शुरू हो गई है। और सिंपली आपको एक बार यहाँ पर टेम्परेचर का जो बटन है यहाँ पर, इसको एक बार ऊपर कर देना है और ये रीडिंग अपने आप ही चलने लग जाएगी। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक पूरी की पूरी रीडिंग जो है वो चढ़ने लग गई है, 10 पे आ गया, 11 है, 12, तो ये जो रिमोट का कोड है ना ये ऑटोमेटिक ही काम करने लग गया है। और जैसे ही आपका जो AC है वो कनेक्ट होगा, ये एक बार बीप करेगा और आपका AC स्टार्ट हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो रिमोट है आधा ही काम करता है AC पे और ये वीप होता है लेकिन कनेक्ट नहीं होता। कनेक्ट होने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कन्फ्यूजन ना रहे आपको किसी प्रकार का। जब ये केवल वीप होगा तो आप समझिए कि हमारा जो रिमोट है वही कनेक्ट नहीं हुआ पूरी तरह से, ये इसको मैच नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही फाइनल कनेक्ट होगा आपको कोई भी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेट AC ऑटोमेटिक कनेक्ट होते ही अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी जो रीडिंग है वो यहाँ पर चल रही है, 75-77 यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका जो ओरिजिनल रिमोट है वो यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं मैं उसे टच भी नहीं कर रहा और यहाँ पर हमारी जो रिमोट की जो रीडिंग है वो चल रही है। जैसे ही सही कोड आएगा ये ऑटोमेटिकली हमारे AC को ऑन कर देगा और उससे पहले ये एक दो बार बीप भी करेगा क्योंकि ये कनेक्ट करने की कोशिश करता है, कोड मैच करने की कोशिश करता है। तो ऐसा लगता है कि कनेक्ट हुआ और यहीं पे बहुत सारे लोग इसे बार बार सेट करने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन वो कनेक्ट नहीं होता क्योंकि वो बीप सुनाई देने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही सही बीप आएगी आपको बटन दबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक ही कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रीडिंग जो आ रही है, कोड चल रहे हैं 100 के आसपास चल रहे हैं, 137-38-41 पे पहुँच गया ये। और मुझे लगता है हमारा जो AC है वो लगभग हमें जाना पड़ेगा 500 प्लस के आसपास क्योंकि 500 के ऊपर ही ये लॉयड का AC जो है वो काम करेगा। और ये इस चीज़ की आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि लिस्ट में आपके AC का कोड नहीं है तो आप उसे कनेक्ट करके ना देखें क्योंकि ये जो रिमोट है ये 1000 in 1 है। ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1000 in 1, ये बहुत ही कमाल का रिमोट है और आपके किसी भी AC को कनेक्ट हो जाता है या फिर आपके घर में जितने भी AC हैं आप एक ही रिमोट से कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो अभी जो रीडिंग पहुंची है वो पहुंच गई है 193-94 आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जैसे हमारी जो रीडिंग है सही जगह पहुंचेगी और ये AC को अपने आप ही ऑन कर देगी। देखिए वीप आई थी लेकिन AC हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, अभी भी ऑफ ही है। ये देखिए दोबारा से वीप आई लेकिन हमारा AC जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ,
और नीचे पावर बटन नहीं है रिमोट में, ऊपर ही पावर बटन है। आप देख सकते हैं मैं प्लस इस बटन को प्रेस नहीं कर रहा हूँ, और ऊपर जिसका जो एसी का ओरिजिनल रिमोट है वो भी रखा हुआ, उसको भी मैं टच नहीं कर रहा हूँ। मैं ये इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको विश्वास हो जाएगी जो वीडियो है वो जेन्युइन है, ना कि कोई फर्जीफिकेशन या एडिटिंग से बनाया गया वीडियो है। तो यहाँ पर जो रीडिंग पहुँच गई है, अभी पहुँच गई है 247 के आसपास, और मुझे लगता है ये 500 के आसपास जाके ही कनेक्ट होगा। और उसके बाद एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, कनेक्ट होने के बाद एसी स्टार्ट हो जाएगा और आपको ये रीडिंग खुद रोकनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक नहीं रुकेगी, ये चलती ही जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो एसी है वो किस रीडिंग पे जाके कनेक्ट होके स्टार्ट हो गया था, और वहीं पे आपको ये सेट कर देना, और एक ही बार सेट करना है, उसके बाद ये हमेशा के लिए वहीं सेट रहेगा जब तक आप इस रिमोट को इस एसी पे यूज करते रहेंगे। तो देखिए अभी भी रीडिंग चल रही है यहाँ पे, और पावर बटन को ऊपर ही रखता हूँ जिससे कि वो आपको दिखाई देता रहे, और ओरिजिनल रिमोट भी आपको मेरे एसी के ऊपर ही दिखाई देता रहे जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैंने ओरिजिनल रिमोट से ये चालू कर दिया है। तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो 315 आ गई है इस समय, ये पास से मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए रीडिंग चलती हुई दिखाई दे रही होगी इस समय, 382, 89, 91 हो गई, 92, 95 और ये 400+, और ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, एक बार बीप बजेगा और हमारा जो एसी है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये देखिए अभी रीडिंग चल रही है, लीजिए थोड़ा और पीछे से मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ये ऑन होते ही अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा, एक बार बीप आएगी बस। और फिर से मैं आपको एक बार रीडिंग दिखा देता हूँ यहाँ कितनी चल रही है, ये देखिए 439, 441 पे पहुँच गई रीडिंग, जहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे रीडिंग आ रही है, आप देख सकते हैं ध्यान से। दूसरी साइड में इसका जो टाइम है वो आ रहा है टाइमिंग, और ये 457 के आसपास है, और जैसे ही ये 500 के आसपास पहुँचेगा और ये रिमोट जो है हमारे एसी को कनेक्ट करके स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें ये करना है कि हमें वापस से इस रीडिंग से वापस ले जाकर उसी रीडिंग पर इसको सेट कर देना है जहाँ पर हमारा एसी अपने आप स्टार्ट हो जाए। और बस जल्दी से हमारा जो एसी है वो कनेक्ट होने वाला है, क्योंकि रीडिंग जो है वो पहुंच गई है 500 के आसपास, ये देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए, और दूर कर देता हूँ, और हमारा जो एसी है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर भी रिमोट रखा हुआ ओरिजिनल, 522, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। तो यहाँ पर हमारा जो एसी है 48 पे जाते ही ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं सारी लाइट्स हैं जल गई हैं इसकी, और हमारी जो रीडिंग है अभी भी कंटिन्यू चल रही है। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको डाउन बटन से क्लिक करके और वापस से अब रीडिंग को ले जाते हैं हम अपना 48 पे, यानी कि हमारा जो एसी है लॉयड का वो 548 पे जाके कनेक्ट हो गया था, तो हम वापस से इस रीडिंग को ले जा रहे हैं 548 पे, और वहीं पे जाके इसे छोड़ देंगे। ये हो गया 548 पे कनेक्ट, ये 43 आ गया है शायद, 44, 45, 46, 47, 48, ये हमारा एसी जो है वो स्टार्ट हो गया है ऑटोमेटिक, तो इसे ओके कर देते हैं बस यहाँ से, और इसके बाद आप एसी के द्वारा इसे ऑफ ऑन कर सकते हैं। तो मैं इसे ऑन कर दे ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए, और ये इसी से ऑन हो जाएगा, ये देखिए ये ऑफ और ये ऑन। तो आशा है आपको आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे कि हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी टेक इन्फो।